अमरीका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है, पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क्यादत का फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। कहते हैं खिते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राबता है, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों का होलनाक मनसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंटों के जेर असर किराए के कातिलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वारदात में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावलाकोट की मस्जिद में कत्ल किया गया। वारदात के लिए कातिल अब्दुल्ला अली के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय एजेंटों ने राबता करके कत्ल का टास्क दिया। सिक्योरिटी इदारों ने अब्दुल्ला अली को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। दूसरी वारदात में शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में कत्ल किया गया। भारतीय एजेंटों ने एक तीसरे मुल्क से मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा, जिसने 5 रुकनी टीम बनाई। उमैर को भी मुल्क से भागते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय एजेंटों अशोक कुमार और योगेश कुमार ने कत्ल की वारदातें कराई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। हम फिलहाल 2 मुकदमा सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। हम अपने शहरियों के तहफ़ और खुद मुख्तारी के लिए पुरज़म है। कैनेडा और अमरीका में भी ऐसे ही केसेस सामने आ चुके। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह होना होगा। सेक्रेटरी खारजा साइरस साजिद काजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalkot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Muhammad Abdullah Ali. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. The conclusions one is forced to draw that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल करम से। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाके में निजी जेलें बंद कराएं। कई खानदान उन जेलों में बंद है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज़ी की वजात उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज़ी को कामयाब कराया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च करने और कराने वालों को सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिल खराश वाक्य को कौम अभी तक नहीं बुला पाई। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त ना हुई और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 9 मई को भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई। नून लीग इंतखाबात में कामयाब हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। किसानों को सहूलतें देंगे, नौजवानों को आईटी की तालीम दिलाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना आइनो कानून की बड़ी खिलाफवर्जी है। किसी जमात को मामूली बेजाबकी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने के सारे जिम्मेदारी पीटीआई मामला चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर इंतखाबी निशान ना दे। जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। मुतादद नोटिसेज जारी करने और इजाफी वक्त देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में कानूनी तकाजों को नज़रअंदाज किया।
इंटर पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल में रखा। पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अमूर में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज़ है। पिशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतज़ार भी ना किया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 38 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद इसहाक ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इख्लाक जारी कर दिया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस दर्जा अव्वल जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान सानवी दर्जे की जिम्मेदारी होगी। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी पर आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। बैलेट पेपर्स की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक तरसील भी फोर्सेस की जिम्मेदारी होगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक पहुँचाएंगी। आर्म्ड फोर्सेस किसी सूरत इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगी। फोर्सेस के अहलकार बैलेट पेपर, स्टैंप और फॉर्म 45 समेत कोई इंतखाबी सामान अपनी तहवील में नहीं लेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर किसी बेजाबतगी की सूरत में आर्म्ड फोर्सेस कोई रद्दमल नहीं देंगी। संगीन बेजाबतगी पर मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाया जाएगा। फोर्सेस पोलिंग के दौरान गैर जानिबदार और किसी सियासी जमात की हिमायत और मुखालफत नहीं करेंगी। मुजाजिम मुबसरीन और मीडिया के अफराद को पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इख्लाक। सुप्रीम कोर्ट ने बख़र से उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्सी खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्सी खेल का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। कागजात नामजदगी क्यों मुसरद हुए, चीफ जस्टिस का इस अफसर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाई कोर्ट ने मुसरद कर दिए। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौकफ सुना, यक तरफा फैसला हो गया। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब, क्या ये दरख्वास्त ये दुरुस्त है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया? अदालत का मुखालिफ फरीक के वकील से सवाल, जी ये दुरुस्त है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था। वकील का जवाब, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में समात। केस पर मजीद कार्रवाई 27 जनवरी तक मुलतवी। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। पहले आपने इनको इतना खौफ ज्यादा देखा है? अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो ज़ाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब कराया तो मैं 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊँ। हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी इन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं, अभी मंशूर पर काम चल रहा है। मैं वज़ीर आज़म बना तो जापान से लेकर अमरीका तक पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियाँ दिलवाऊँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब।